हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक जे वैष्णव चिकमंगलूर से। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो केवल सकारात्मक सोचता है और जिसने एक बिच्छू मानसिकता के साथ कुछ परियोजनाएं बनाई हैं। इस दुनिया में हर किसी की अपनी समस्याएं हैं। समस्याओं के बावजूद लगातार सीखने से आप दृढ़ता विकसित कर सकते हैं। आपको जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सीखने की आवश्यकता है समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण। हाँ, तुम्हें करना है। समस्याओं की उम्मीद है, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उन समस्याओं को हल करके अपने काम को सही ठहरा सकते हैं। जरा सोचिए, आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि चढ़ाई करना कठिन है। यदि आपके पास एक साहस और इच्छा शक्ति है तो आप पहाड़ी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि यदि आप उन समस्याओं का सामना करने का साहस रखते हैं तो आप उस समस्या को जीत लेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यदि आप पीछे हटते हैं तो समस्याएं बढ़ेंगी। हमारे जीवन में जब कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, जिसका अर्थ है कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। समस्याओं का प्रतिकार करें। समस्याओं के अचानक आने पर आश्चर्य न करें। कल्पना कीजिए, आप एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, तब आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगले टीम लीडर होंगे। लेकिन आपके सहकर्मी को वह पदोन्नति मिलती है, उसके लिए ईर्ष्या मत करो। बस उस पदोन्नति के लिए कड़ी मेहनत करें, तब आप अपनी अपेक्षा तक पहुंचेंगे। समस्याओं का सामना करें। आपको समस्याओं को इसके उचित प्रभाव में लाना होगा। यह अनुपात से बाहर उड़ा नहीं है, इसकी सिर्फ एक समस्या है। अगर आपको लगता है कि समस्याएं छोटी हैं, तो यह सिर्फ छोटा है। अगर आपको लगता है कि समस्याएं बड़ी हैं, तो यह और भी बुरा है। अपने जीवन में शिक्षक के रूप में समस्याओं को प्राप्त करें। मेरे कहे अनुसार सभी को समस्या है। यदि आप एक शिक्षक के रूप में समस्याओं को लेते हैं तो आप सही हो सकते हैं और फिर से आने पर हल कर सकते हैं। यदि आप अपनी समस्याओं से नहीं सीख रहे हैं तो आपको बार बार नुकसान होगा और आपका मन उड़ जाएगा और आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। अगर आप 19 बार गिरते हैं तो आप 20 बार उठते हैं। यदि आप ठोकर खाते हैं तो बेहतर चलना का रहस्य सीखना है। इसलिए समस्याओं का सामना करना हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो समस्याएं आशीर्वाद बन जाती हैं। भगवान समस्याएं देते हैं, हमें प्रताड़ित करने के लिए नहीं, या इसका नहीं क्योंकि वह हमसे नफरत करता है। वह कष्टों का सामना करना चाहता है और इसके आधार पर एक बेहतर इंसान बन सकता है। हमें उम्मीद नहीं है कि कोई हमारी समस्याओं को दूर करेगा। बस अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का निर्माण करें और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के लिए अपना रास्ता खोजें। इसलिए यदि आपकी समस्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, यह आपके विकास को गति देगा। जो टिकता है उसे अंत में अमृत मिलेगा। नकारात्मक स्थिति हमारे जीवन के तथ्य हैं। भगवान ने इस दुनिया को द्वैत के साथ बनाया है। अच्छे और बुरे, दिन और रात और सत्य जैसे गुण और दोष होते हैं और इतने पर झूठ। हमारे जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता है, हमें स्वीकार करना और सीखना है। आंतरिक रूप से इससे परेशान होने के लिए नहीं। यदि कोई व्यक्ति कुछ खराब स्थितियों में शांत रहना चाहता है तो उसे अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने दिमाग को चुनौती दे और सकारात्मकता में रहने के लिए अपने दिमाग को दिशा दे। उन नकारात्मक विचारों को स्वीकार न करें जो मन में उत्पन्न होते हैं। आपको उन विचारों को उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित करना होगा जो आप चाहते हैं। बस दिन प्रतिदिन मन को नियंत्रित करने और अपने मंत्री को इस बिंदु पर लाने के लिए खुद का अभ्यास करें। यहाँ एक समाधान है। आपको नकारात्मक विचारों के बारे में जागरूकता लाना होगा और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलना होगा। हम इसकी मेहनत जानते हैं। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो अपने दिमाग को भगवान की ओर मोड़ें। जैसे कि भगवान को जपकर भक्ति करें।
फिर यह स्वचालित रूप से नकारात्मक को सकारात्मक की जगह लेना शुरू कर देता है। तब आपका मन शुद्ध होने लगेगा। सकारात्मकता एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो सूर्योदय का सामना कर रहा है और सोचता है, मेरा जीवन शुरू हो गया है। नकारात्मकता एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो सूर्यास्त का सामना कर रहा है और सोचता है, मेरा जीवन समाप्त हो गया। इसलिए हर किसी की अपनी संभावना होती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सकारात्मक तरीके को अपनाएगा और आसानी से अपनी सफलता प्राप्त करेगा। हमारी दुनिया में हर किसी का सफलता का अपना सपना होता है, यहाँ तक कि आपके पास भी है, लेकिन आपको अपने सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा मत सोचो यह सिर्फ एक सपना है, वे सपने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को गंभीरता से ले और उस सपने को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। आप एक दिन सफल होंगे। असफलता से मत डरो, असफलताएं सफलता के लिए कदम है। यदि आप असफलता से डरते हैं तो आपके सपने एक सपने के रूप में रहते हैं। हमारे जीवन में नकारात्मक दिमाग वाले बहुत से लोग आएंगे, वे आपके आत्मविश्वास को अपमानित करेंगे और वे आपको सलाह देंगे। उन्हें अपने सपने पर सलाह न दें। अपने सपनों पर किसी की सलाह सुनने के उस दृष्टिकोण को बदलें। उन्हें अपने जीवन का न्याय करने की अनुमति न दें। आपका जीवन आपके हाथ में है। अलग और रचनात्मक सोचें। सही रणनीति के साथ योजना बनाएं। आप सफल होंगे और आप एक इतिहास बनाएंगे। आत्मविश्वास रखो। आपका आत्मविश्वास आपके विषय को सही साबित करने का सबसे अच्छा हथियार है। यदि आप आत्मविश्वास बनाने में कमजोर हैं, तो आप अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। इसलिए अपने विषय का अभ्यास करके अपने आत्मविश्वास का निर्माण करें और जो आप सीख रहे हैं उसमें परिपूर्ण रहें। आपका आत्मविश्वास अपने आप निर्मित होगा। सब कुछ आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि आप क्या बनते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें, अलग सोचें, नया बनाएं। आप हर चीज में विजेता बनेंगे। धन्यवाद।